नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। फैटी लिवर्स की समस्या बहुत सारे लोगों के अंदर हम देख रहे हैं कि जैसे उनका टेस्ट करवाने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको फैटी लिवर हो गया है, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वह सोचते हैं कि कैसे हो गया, फैटी लिवर क्या होता है, या इसके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं होती। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि फैटी लिवर क्या होता है, क्यों हो जाता है, और इसके लिए हम घरेलू उपाय ऐसे कौन से कर सकते हैं जिसे करने के बाद आपका फैटी लिवर बिल्कुल सही हो सकता है। लीवर जो होता है हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग होता है जो खाने को डाइजेस्ट करता है। लीवर का सुचारू रूप से चलना हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यह हमारे शरीर में से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। शरीर के अंदर प्रोटीन बनाने का काम भी लीवर करता है, इसीलिए लीवर का बिल्कुल सही होना आवश्यक होता है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी होने लगती है तो सबसे ज्यादा असर लीवर पर पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर वात पित्त कफ तीनों ही होते हैं, उनका बैलेंस अगर बिगड़ जाता है तो इस प्रकार से फैटी लीवर की समस्या होने लगती है। क्योंकि कोशिकाओं के अंदर अगर ज्यादा वसा जम जाती है तो इस प्रकार से फैटी लीवर बन जाता है। खान पान भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका लीवर कैसा है। अगर आप बहुत ही ज्यादा जैसे कि मिर्च मसालों का प्रयोग करते हैं, तला हुआ ज्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाले पदार्थों का सेवन ज्यादा करते हैं तो आपका लीवर फैटी हो सकता है। फैटी लीवर होने के पीछे ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि किसी किसी के आनुवांशिक होता है, कि परिवार में किसी को है तो उसको भी हो जाता है। बहुत सारे लोग मोटे होते हैं जिसके कारण उनका फैटी लीवर हो जाता है, उनको पता तक नहीं चलता है कि उनको ये समस्या हो रही है। बहुत सारे लोग जो पूरे दिन भर जैसे थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं जिसके कारण उनको फैटी लीवर की समस्या हो जाती है। बहुत सारे महिलाएं और पुरुष ऐसे होते हैं जो शरीर में अगर किसी प्रकार का दर्द होता है तो वो दर्द निवारक गोलियों का सेवन करते हैं, जिसका साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा आपके लीवर के ऊपर पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है या बहुत ही ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है तो उसके कारण उनका फैटी लीवर हो सकता है। ये समस्या भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर आपको किसी न किसी प्रकार का वायरल संक्रमण हुआ होता है तो भी आपके लीवर के ऊपर उसका असर पड़ता है और आपका लीवर जो होता है फैटी होने लगता है। ये सारे कारण बनते हैं जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि फैटी लीवर हुआ है। लेकिन आपको ऐसे बहुत सारे लक्षण भी दिखाई देंगे कि अचानक ही आपका वजन घटने लग जाएगा, अचानक ही आपके शरीर में इतनी ज्यादा कमजोरी आ जाएगी कि आप उठ भी नहीं पाएंगे, आपके पेट के अंदर मोटापा बढ़ जाएगा, पेट के वहाँ की चर्बी बढ़ जाएगी, आपके पेट में सूजन सा महसूस होएगा, पेट में आपको दर्द भी महसूस हो सकता है, या फिर आपके हार्ट के अंदर इस प्रकार लगेगा कि वहाँ पर कुछ खाली खाली सा है। जैसे आप उठते हैं बैठते हैं तो आपको ऐसा महसूस होएगा कि जैसे आपके हार्ट के वहाँ पर जैसे जगह बन रही है, इस प्रकार भी आपको लगे। कि कोई लीवर से संबंधित अगर कोई समस्या होती है तो उसके पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा खुजली भी होने लगती है, क्योंकि आपके शरीर में खून की कमी आने लगेगी, साथ में ही आपके शरीर में लीवर में भी संक्रमण हो चुका है, तो आपकी बॉडी पर खुजली आकर के भी आपको ये पता चल सकता है कि आपको लीवर संबंधी कोई समस्या है। किसी व्यक्ति का खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहते हैं तो आपका खाना सही ढंग से पचता नहीं है, वो अंदर ही सड़ता है, जिसके कारण आपका फैटी लीवर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण है जो आपको दिखाई दे सकते हैं। आपके शरीर की कमजोरी आपको बता सकती है, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ सकते हैं, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो फैटी लीवर में ये सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के साथ बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन हम घरेलू उपायों की सहायता से कुछ ऐसी होम रेमेडीज अपना करके फैटी लीवर को बिल्कुल सही कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ उपाय बताऊंगी जिन्हें आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, आपका फैटी लीवर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको तीन तरीके बताऊंगी, तीन ऐसे उपाय बताऊंगी जिसे आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपका फैटी लीवर बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि यह समस्या बढ़ के आपके शरीर में और बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकती है। यहाँ पर तीन तरह के उपाय है, जैसे पहला है योग और एक्सरसाइज जो सभी बीमारियों के लिए फायदेकारी है। दूसरा आपका आहार रहेगा कि आपको फैटी लीवर के अंदर कौन सी चीजें ऐसी है जिनका रोज ही इस्तेमाल करना है। और तीसरा उपाय यहाँ पर यह रहेगा कि आपको ऐसे मिश्रण लेने हैं, फैटी लीवर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीन तरीके से आप आपकी फैटी लीवर को बिल्कुल सही कर सकते हैं। शरीर में अगर किसी भी प्रकार की अगर बीमारी आती है तो सबसे पहले आप कारण की तरफ जरूर देखें, उसी से आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में क्या इन्फेक्शन हुआ है, किस कारण से आपको ये बीमारी आई है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग अगर इलाज करेंगे तो आप उसे जड़ से बिल्कुल सही कर पाएंगे। घरेलू नुस्खे भी अगर आप सही ढंग से यूज करते हैं तो आपका बिल्कुल सारी बीमारी आप सही कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं उपाय की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी योग और एक्सरसाइज की।
जिस भी व्यक्ति का फैटी लीवर हो चुका है उसे योग की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी जो होती है 40 वर्ष के बाद में ही शुरू होती है। पुरुषों के अंदर ये ज्यादा देखी जाती है, लेकिन महिलाओं को भी हो सकती है। जैसे आपकी 40 की उम्र क्रॉस हो चुकी है, आपको योग की तरफ जरूर बढ़ना है। वैसे तो 30 क्रॉस करते ही सभी को योग एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन अगर आपको इस प्रकार का सिम्टम दिखता है तो आपको योग जरूर करना चाहिए। योग के अंदर आपको यहाँ पर कपालभाति प्राणायाम कम से कम 1 घंटा करना है। अगर आप 1 घंटा रोजाना कपालभाति करते हैं तो आपका फैटी लीवर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, आपको एक भी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आप फैटी लीवर के लिए टेस्ट करवाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारा सीटी स्कैन होता है, तब जाकर के आपको पता चलता है कि आपका फैटी लीवर हुआ है। उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है और बहुत लंबे समय तक आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है जिसका साइड इफेक्ट मिलता है। लेकिन कपालभाति प्राणायाम करने से आपको सिर्फ बेनिफिट मिलेगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप रोजाना 1 घंटा कपालभाति करेंगे तो आपका फैटी लीवर ऑटोमेटिक सही होगा, साथ में ही दूसरी बीमारियों को भी सही करेगा। तो इसीलिए आपको 1 घंटा सबसे पहले कपालभाति करना है। दूसरा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आहार कैसा जरूरी होता है जो आपके फैटी लीवर के लिए ज्यादा यूजफुल है। जिस भी व्यक्ति का फैटी लीवर होता है उसे मौसमी का सेवन जरूर करना है, यानी कि एक व्यक्ति को कम से कम 6 मौसमी यहाँ पर रोजाना खानी है। अगर आप विटामिन सी से भरपूर 6 मौसमी का सेवन रोज करेंगे, चबा चबा कर आपको खानी है, उसका जूस आपको नहीं लेना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप 15 दिन के अंदर ही आप में फर्क महसूस करेंगे, आपका फैटी लीवर ऑटोमेटिक सही होगा, साथ में ही दूसरी बीमारियां सही होगी, आपके शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है, खून की कमी आने लगती है, चक्कर आ जाते हैं, उसको भी वो सही करेगा। अगर आपको डायबिटीज भी है तो उसमें भी वो फायदा पहुंचाएगा। शरीर में खुजली चलने लगी है तो भी आप मौसमी खाएंगे तो खुजली की समस्या भी सही हो जाएगी। अगर आपको एसिडिटी बनती है तो वो समस्या भी सही होगी। लीवर हो जाने के कारण बहुत सारे लोगों को पीलिया जैसी संबंधित बीमारी भी हो जाती है, लेकिन अगर आप मौसमी का नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपको पीलिया भी नहीं होगा, उससे भी आप बच सकेंगे। यानी कि आपकी 6 मौसमी आपकी बहुत सारी बीमारियों को सही करेगी, साथ में ही फैटी लीवर को जड़ से ठीक कर देगी। रोज खाना है जैसे कि 1 कटोरी मूंग, 1 कटोरी चना, सोयाबीन, इस तरह से इन सभी चीजों को आप रात को भिगो दीजिए और अंकुरित करके उनको रोजाना खाना शुरू करें। इस कारण में हमने ये जाना कि शरीर में वात पित्त और कफ अगर बिगड़ जाता है तो ही आपको फैटी लीवर होता है। तो वात पित्त कफ को कौन सही करता है? त्रिफला पाउडर, त्रिफला रस। अगर आप त्रिफला रस लेते हैं तो 1 ग्लास गर्म पानी के साथ में 10 ml रोजाना त्रिफला रस का सेवन कर लीजिए, या फिर आप त्रिफला पाउडर लेना चाहते हैं तो आप त्रिफला पाउडर 1 चम्मच भर के रोज खा लीजिए। अगर आप इसका सेवन करेंगे तो ये आपके शरीर में वात पित्त कफ को सही कर देगा, क्योंकि अगर कारण को ही सही कर देगा वो तो आपकी बीमारी तो अपने आप ही सही हो जाएगी। इसीलिए हमेशा पहले कारण को देखें, उसी के बाद आप उपाय करें। तो त्रिफला रस जो भी व्यक्ति अगर लेता है और जिसका फैटी लीवर है उसे तो ये अवश्य लेना है, ताकि उसका फैटी लीवर सही हो सके और होम रेमेडीज ऐसी कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपकी और बीमारियां भी सही होगी। तो वात पित्त कफ को कंट्रोल करने के लिए, उसे सही बैलेंस लाने के लिए त्रिफला का सेवन करना जरूरी है। जो भी व्यक्ति त्रिफला का सेवन करेगा उसे फैटी लीवर से संबंधित सारी समस्या सही हो जाएगी। के अंदर 1 दिन गोमूत्र, अगर आप बिल्कुल ताजा गोमूत्र लेकर के आते हैं तो उसका 1 ढक्कन भर के पी सकते हैं, या फिर गोमूत्र अर्क अपने पास रखिए तो वो भी आप गर्म पानी में 1 ढक्कन डालकर लीजिए। अगर आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या है तो गोमूत्र उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। किसी ने मुझसे कहा था कि गोमूत्र आप पी लिया कीजिए, तो अगर हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी होती है तो मैं गोमूत्र पी भी सकती हूँ और गोमूत्र से नहा भी सकती हूँ। तो अगर आपके शरीर में इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप गोमूत्र का सेवन करके देखिए, आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा, आपका फैटी लीवर बिल्कुल सही हो जाएगा, इससे कोई भी नुकसान शरीर में नहीं होता है। गोमूत्र हमारे भारतीय परंपरा के अंदर हम उसे पूजनीय मानते हैं। गाय का अगर कोई सी भी अगर चीज है, जैसे गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया, उन सब चीजों को हम धर्म की तरह अच्छे से उनका पूजन करते हैं।
तो इसे कोई भी नुकसान मैं नहीं मानती हूँ। अगर किसी को फायदा मिलता है गोमूत्र पीने से तो इससे कोई भी नुकसान नहीं है। लीवर की समस्या इसीलिए होती है कि हमारा खान पान बिगड़ चुका है, हमारी दैनिक दिनचर्या जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए ये समस्या होने लगती है। लेकिन फैटी लीवर की समस्या अगर किसी को भी होती है तो डिप्रेशन में ना जाए, बिल्कुल भी चिंता ना करे। ऐसे बहुत सारे उपाय है जिससे हम फैटी लीवर को बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं तो उनकी दवाइयों को भी आप चालू रख सकते हैं और होम रेमेडीज भी आप साथ में अपना सकते हैं, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो कुछ यूजफुल लगता है तो इसे सबके साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।